पिछले एपिसोड में हमने सूरज के जन्म के बारे में जाना। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सूरज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपको न पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं सूरज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, सूर्य अन्य तारों की तरह ही एक गर्म गैस का गोला है और हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जो अन्य तारों की तुलना में एक औसत आकार का है। लेकिन हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के 80% तारों की तुलना में सूर्य का द्रव्यमान और चमक ज्यादा है। इसका एक कारण है कि सूर्य अन्य तारों की अपेक्षा में पृथ्वी से काफी करीब है। सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारी धरती से देखने पर ज्यादा बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हमारा सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अगर सूरज का आकार एक फुटबॉल जितना और जुपिटर का आकार एक गोल्फ बॉल जितना कर दिया जाए, तो हमारी धरती एक मटर के दाने से भी कम होगी। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, ये सारा का सारा गैसों का बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24% और बाकी 2% में लोहा, निकिल, कार्बन और क्रोमियम जैसे अन्य तत्व मौजूद हैं। सूरज की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौरमंडल में विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। अगर कोई भी वस्तु सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है, तो सूर्य उसे अपनी ओर खींच लेगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 28 गुना ज्यादा है, मतलब अगर धरती पर आपका वजन 60 किलोग्राम है, तो सूर्य पर यह 1680 किलोग्राम होगा। अगर मान ले कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुंचे, तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फीले ध्रुवों की तरह जम जाएगी और बर्फ के ढेर में तब्दील हो जाएगी। हमारा सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाये हुए है। बाकी में केवल 0.14% में ही धरती और अन्य ग्रह आते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। यह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है। सूरज हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में करीब 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूरज से हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा दूर होने के बावजूद सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट 17 सेकंड का समय ही लगता है। सूरज की किरणों की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष है। पिछले करीब 4.5 अरब वर्षों में सूर्य के अंदर इकट्ठा आधा हाइड्रोजन जल चुका है और अभी बाकी बचा हाइड्रोजन 5.5 अरब साल और जलेगा, तब तक सूरज हमें रोशनी देता रहेगा। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुँचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। बाकी बची ऊर्जा में से 30% पानी को भाप बनाने में काम आती है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी के समक्ष 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, इसी तरह सूर्य अपनी धुरी के समक्ष 25.6 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर 11 साल में सूर्य के ध्रुव बदल जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी। ऐसा क्यों होता है, ये हमें अभी तक नहीं पता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।